Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is British relations within subjugations of the principal Indian powers. Okay, तो हमने इसमें देखा था later Mughals और later Mughals उसके बाद decline देखा था मुगल empire का, फिर हमने start किया था rise of regional states. Okay, तो आज जो हम regional state discuss करेंगे वो है मैसूर. कैसे इसका emergence हुआ, ठीक है. तो अगर हम देखें तो मैसूर जो था वो इंडिपेंडेंट नहीं था पहले, और इंडिपेंडेंट अगर हम कहें हुआ अंडर द हिंदू हिंदू वुदियार डायनेस्टी, जो कि हुआ था 1565 जब फॉल हो गया था विजयनगर एम्पायर का, फॉल ऑफ विजयनगर एम्पायर. ओके, अगर हम देखें बिटवीन 1731 से 1734 जो टू ब्रदर्स थे, दैट इज देवराजा एंड नाना राजा, इन्होंने पावर को होल्ड किया था, ठीक है, और बेसिकली अब्सर्ड द पावर इन द स्टेट और डिफैक्टो रूलर्स बन गए थे ये. नाउ क्या डिफरेंस है डिफैक्टो रूलर्स में, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिफैक्टो और डिज्यूरे रूलर्स. तो बेसिकली डिफैक्टो रूलर्स वो होता है जिसके पास सारी पावर होती है बट ऑल्दो ऑफिशियली असाइन नहीं होता है जो अथॉरिटी है वो पावर की. ऑन द अदर हैंड जो डिज्यूरे रूलर होता है उसके पास ऑफिशियल अथॉरिटी होती है बट जो पावर होती है वो नहीं होती है. तो दैट वाज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द डिफैक्टो एंड डिज्यूरे रूलर्स. ओके, नाउ अब जो ये जो स्टेट था ना, दैट इज अ मैसूर, ये एक बोन ऑफ कंटेंशन था, ये बोन ऑफ कंटेंशन था. और ये जो बोन ऑफ कंटेंशन था ये था बिटवीन पेशवा एंड निजाम, ठीक है. अगर हम देखें ड्यूरिंग द सेकेंड कार्नाटिक वॉर, जो नाना राजा थे इन्होंने अलाइट किया था इंग्लिश से, ठीक है, इन्होंने अलाइट किया था इंग्लिश से ताकि ये कैप्चर कर पाए तिरुचिरापल्ली जो कि मॉडर्न डे का तमिलनाडु है. ओके, ब्रिटिश से अलायंस किया था ताकि ये तमिलनाडु को प्रेजेंट डे कैप्चर कर पाए, ठीक है. बट लेटर ऑन इनका जो एलिजियंस था ना, इन्होंने शिफ्ट कर लिया था कि फ्रॉम द इंग्लिश टू फ्रेंच, ठीक है. तो पहले अलाइज इंग्लिश से किया था स्टार्टिंग में, लेकिन उसके बाद इन्होंने फ्रेंच में शिफ्ट कर लिया था. इट इज़ बिकॉज इनको लग रहा था जो इंग्लिश थे वो मोर डिमांडिंग है और वो एज अ डबल फेसेट लेके चल रहे हैं कि मुझे हमें एश्योरेंस तो देते हैं हेल्प करने की बट जब रियल आती है बात तो हमें हेल्प ना करके वो दूसरे का लेते हैं ताकि इनका सेल्फ इंटरेस्ट हार्म ना हो, ठीक है. तो इसलिए उन्होंने बाद में एलिजेंस अपना शिफ्ट कर लिया फ्रॉम इंग्लिश टू फ्रेंच. ये हो गया इंट्रोडक्शन. अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जो कि मैसूर में आई. फर्स्ट है हैदर अली. इनका जो टाइम पीरियड है 1760 से 1782. ओके, तो ये जब इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था ना, तो ये क्या थे, ये सिर्फ एक सोल्जर थे जो कि सर्विस में थे ऑफ द मैसूर स्टेट के. बट लेटर इनको काफ़ी प्रमोशन मिला, इनको प्रमोट किया गया टू द पोजिशन ऑफ कमांडर, और टू बी वेरी प्रोसाइज कमांडर इन चीफ, ठीक है. और इट इज़ बिकॉज इनका काफ़ी मेरिटोरियस रिकॉर्ड था, ठीक है, एज ए फौजदार ऑफ दिंदीगुल, जब ये फौजदार थे दिंदीगुल के, ठीक है. कमांडर इन चीफ को प्रमोट क्यों किया, क्योंकि इनका जो कैरियर था बहुत ही मेरिटोरियस पर्सन थे. तभी तो एक सोल्जर्स यहाँ तक इस पोजिशन पर आ पाया, दैट इज कमांडर इन चीफ. तो इससे पहले अगर हम देखें तो ये मेरिटोरियस रिकॉर्ड था इनका एज ए फौजदार ऑफ दिंदीगुल, ठीक है. सो अब क्या किया था ये, बेसिकली इनका जो इनको लग रहा था कि एक स्टेट को और इफिशियंट वे में चलाने के लिए सबसे अच्छा क्या चाहिए, आपको एक परफेक्ट सोल्जर्स चाहिए. तो इन्होंने क्या किया, अपने जो सोल्जर्स थे और बेसिकली जो ट्रूप्स थे उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट करी इन दी वेस्टर्न लाइन. सो ट्रूप को इन्होंने ट्रेनिंग प्रोवाइड करी ऑन वेस्टर्न लाइन्स,
और एक एस्टैब्लिश करी मॉडर्न आर्सेनल, एस्टैब्लिश मॉडर्न आर्सेनल, ये इन्होंने किया था 1755 में। और कहाँ पे किया था ये इन्होंने किया था, जहाँ के ये फौजदार थे, दैट इज द दिंदिकुल। ठीक है, नाउ ये अब जो कर रहे हैं ना, ये नॉट इंग्लिश की हेल्प से नहीं कर रहे हैं, ये फ्रेंच की हेल्प से कर रहे हैं, बिकॉज इनको लग रहा था कि फ्रेंच मुझे काफ़ी हेल्प कर सकते हैं और काफ़ी बेसिकली आउट ऑफ द स्टेट टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड करवा सकते हैं इन कंपेरिजन टू ब्रिटिश, जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए सोच रहे हैं। और इन्होंने डिफेंड भी किया था, ही डिफेंडेड श्रीरंगपट्टनम, जो कि कैपिटल थी मैसूर की, ओके, अगेंस्ट दी मराठास, किसके अगेंस्ट में किया था, अगेंस्ट दी मराठास, और ये इवेंट हुआ था 1759। और एज ए रिजल्ट इनको रिवॉर्ड किया गया था बाय कन्फरिंग द टाइटल ऑफ फतेह, इसके बाद इनको एज ए रिवॉर्ड में टाइटल मिला फतेह हैदर बहादुर, ठीक है, सिंपली ब्रेव विक्टोरियस लॉयन, ब्रेव विक्टोरियस लॉयन, इनको टाइटल भी मिला था, ठीक है, ऑन हिम। और ये दिया कि इन्होंने था, दैट इज द नाना राजा, जो कि उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे और डिफेक्टो रूलर थे थ्रो चिक्का कृष्णा राजा के। तो ये कंटिन्यूड रहे थे बेसिकली डिजूरे रूलर्स, ठीक है, तो नाना राजा ने दिया था जो प्राइम मिनिस्टर थे, हु वॉज द डिफेक्टो रूलर, ठीक है, थ्रो द चिक्का कृष्णा राजा, जो कि डिजूरे रूलर थे, रियल पावर थी उसमें वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम इनका देखें तो ही अलाइड, इन्होंने क्या किया था, ऑब्वियसली इनको फ्रेंच काफ़ी ज़्यादा मोर ट्रस्टफुल लगते थे इन कंपैरिजन टू इंग्लिश और बेसिकली ब्रिटिश, तो इन्होंने अलाइड किया था फ्रेंच के साथ एंड द निज़ाम, फ्रेंच के साथ एंड निज़ाम के साथ, और एज ए रिजल्ट क्या हुआ, ये सक्सेसफुल रहे थे एक क्रशिंग डिफीट देने में, किसको, इंग्लिश को, ठीक है। स्टार्टिंग में हम थोड़ा उस और डिटेल में देखेंगे, जब होगा सब्जुगेशन ऑफ पावर और जब मैसूर का होगा, तो उसमें जो निज़ाम थे और बेसिकली जो पेशवा थे, ये अलायंस बना लिया था इन्होंने इंग्लिश के साथ, और अब हैदर अली को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है, उनको लग रहा था कि हम, मेरा जो एम है कि अल्टीमेटली ब्रिटिश को मैसूर से हटाना और फिर पूरे इंडिया से हटाना, वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो इन्होंने एज ए आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी के तौर पे क्या किया, हैदर अली ने उनको और ज़्यादा टेरिटोरियल गेन ऑफर करी और अपने तरफ अलाई कर लिया, और एज ए रिजल्ट क्या हुआ, ये हेल्प, मतलब ये सक्सेसफुल हो पाए क्रशिंग डिफीट देने में टू द इंग्लिश, जो कि था आपका फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, और ये हुआ था आपका 1767 से आपका 1769, ठीक है ना। और बेसिकली फोर्स देम टू कंक्लूड अ ट्रीटी, और उन्होंने फोर्स भी कर लिया था कि आप एक मुझसे ट्रीटी साइन करेंगे, और इस ट्रीटी का जो नाम होगा, दैट इज द ट्रीटी ऑफ मद्रास, ठीक है, और ये साइन हुई थी 1769 में, ओके। फिर अगर हम देखें 1781 में, उसके बाद क्या हुआ था, ही वॉज डिफीटेड बाई, दैट इज हैदर अली वॉज डिफीटेड बाई आयरकूट। अब इनको आयरकूट ने हरा दिया था, और ये जो बैटल था ना, इसको प्लीज रिमेंबर कर लेना, दैट इज द बैटल ऑफ पोर्टो नोवो, दैट इज द बैटल ऑफ पोर्टो नोवो, ठीक है। अब इसमें क्या किया था, ही अलाइड विद द मराठास एंड निज़ाम इन द सेकेंड, उसके बाद भी फिर इन्होंने अलायंस बनाया, ठीक है, दैट इज हैदर अली ने फिर से अलायंस बनाया। अब इस टाइम कौन कौन थे, दैट इज द मराठास थे, फिर से टेरिटोरियल गेंस के, कि हम आपको ज़्यादा टेरिटोरियल गेन देंगे इन ऑर्डर, अगर हम जीत जाते हैं तो, और मराठास और निज़ाम को बनाया, और यह था इनका सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, जो कि इसका टाइम पीरियड था 1780 से 1784, और सक्सेसफुल रहे थे इन कैप्चरिंग आर्कॉट को कैप्चर करने में, ठीक है। Now during the course of the war, and अब क्या हुआ, inflicted a very humiliated defeat on the English again, ठीक है, और इन्होंने फिर से एक means एक तरीके की humiliating defeat, और उनको हरा दिया था, किसको, English को, ये हुआ था 1782। But as a result what will happen, क्या हुआ था, due to reason वो इनकी death हो गई थी on 7th of December 1782 during the course of the second Anglo-Mysore war, और इसके बाद इनका ये जो
वॉर था, दैट इज द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, ये कंटिन्यू किया था टीपू सुल्तान ने, ठीक है। तो नेक्स्ट इन पावर में जो आएंगे हैदर अली के बाद वो आएंगे टीपू सुल्तान। इनका जो टाइम पीरियड है 1782 से 1799। नाउ ही सक्सेसेड हैदर अली, और इन कंट्रास्ट टू हिज फादर इन्होंने डीथ्रोन कर दिया था राजा ऑफ मैसूर को, दैट इज कि जस्ट फॉर नेम से अपने आप पावर नहीं रखनी है, लेकिन जो इनके फादर सपोर्ट कर रहे थे, दैट इज जो राजा थे आपके मैसूर को, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने टीपू सुल्तान ने आते ही उनको सबसे पहले डीथ्रोन किया और सारी पावर अपने हाथ में ले ली, ठीक है। तो डीथ्रोन राजा ऑफ मैसूर और ओपनली अज्यूम किया था, दैट इज द टाइटल ऑफ सुल्तान, सुल्तान का टाइटल ओपनली अज्यूम कर लिया था, और ये जो इवेंट हुआ था 1786 में हुआ था, ठीक है। नाउ इन्होंने क्या किया था, कंटिन्यू किया था सेकेंड वॉर, दैट इज द सेकेंड एंग्लो वॉर विद द ब्रिटिश, जो कि चला था 1784 में। बट क्या हुआ था, बोथ साइड्स जो था ना, अब वो काफ़ी बैटल करते करते मींस एक तरीके की फुल फ्लैश विक्ट्री किसी को भी नहीं दिख रही थी कि कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा है। तो व्हेन बोथ दी साइड्स गॉट टायर्ड एंड कंक्लूडेड पीस, और ये जो पीस ट्रीटी थी ये थी ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। ठीक है, जो कि हुई थी कंक्लूड इन दी मार्च 1784। अब इसका बेसिस क्या था, इस ट्रीटी के अंडर में क्या प्रोविजंस थे, जो सिर्फ और सिर्फ एक समझ लो आप, दैट इज द म्यूचुअल रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्क्वेस्ट। जो भी एक दूसरे ने कॉन्क्वेस्ट के थ्रू कैप्चर किया है वो सब और सब एक दूसरे को वापस कर देंगे, दैट इज द म्यूचुअल रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्क्वेस्ट। नाउ उसके बाद फिर से हम देखें तो इन्होंने क्या किया था, मराठास और निज़ाम ना अपना पार्टी बदल रहे थे, जहाँ पे उनको लग रहा था कि जो अपर हैंड है उसकी तरफ हो जा रहे थे, ठीक है। तो कोलिशन बन गई थी एक मराठास और निज़ाम की, इन्होंने दैट इज़ अ टीपू सुल्तान ने फिर से कोलिशन बन गई थी मराठास निज़ाम की विद द इंग्लिश, ठीक है। लेकिन इन्होंने ये भी डिफीट कर दी, ये कोलिशन जो बनी थी ऑफ मराठा और जो निज़ाम की थी, ये कोलिशन भी डिफीट कर दी थी, ठीक है। और ही फॉर थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जो कि हुआ था 1790 से 1792 में, इन विच जो मराठास और निज़ाम थे ना, फिर से उन्होंने अलाई कर लिया था विद द ब्रिटिश के साथ। तो मराठास और निज़ाम ने अलाई कर लिया था ब्रिटिश के साथ। अब ये तीन पावर हो गई हैं ऑन द इन कंट्रास्ट, जो मैसूर है वो एक अकेले ही लड़ रहा है अंडर टीपू सुल्तान, ठीक है। नाउ एज ए रिजल्ट व्हाट विल हैपन, टीपू सुल्तान को एक ट्रीटी साइन करनी पड़ गई थी, दैट इज द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, जो कि इन्होंने साइन की थी 1792 में, दैट इज द मार्च। अब इस ट्रीटी के अंडर के जो प्रोविजंस थे क्या था, कि टीपू सुल्तान को सरेंडर करनी पड़ गई थी नियरली हाफ ऑफ द मैसूर टेरिटरी टू द विक्टोरियस अलाइज, जो कि थे आपके निजाम और मराठास और ब्रिटिश, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। अब ये हुआ था 1799 में, ठीक है ना। अब इसका क्या हुआ, ये जब वॉर हुआ इसने क्या कर दिया, एंड कर दिया कंप्लीट कोलैप्स ऑफ टीपूस पावर। अब यहाँ पे फोर्थ एंग्लो मैसूर में टीपूस की जितनी भी पावर थी वो सारी की सारी कोलैप्स हो गई थी, और बेसिकली अगर हम देखें तो किसके पास चली गई थी, ब्रिटिशर्स के पास चली गई थी, ठीक है। और फाइनली ये बैटल लड़ते लड़ते ये मर गए थे इन द ईयर 1799 में, ठीक है। नाउ थोड़ा सा टीपू के बारे में और देख लेते हैं। तो टीपू ऑर्गेनाइज द इन्फेंट्री ऑन यूरोपियन लाइंस, जो उनके फादर करना चाहते थे, ठीक है। तो जो इन्फेंट्री थी मैसूर की वो क्या चाहते थे, कि वो हो ऑन द बेसिस ऑफ यूरोपियन लाइंस, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्मी चाह रहे थे, ठीक है। एंड मेड अटेम्प्ट्स टू बिल्ड अ मॉडर्न नेवी, वो मॉडर्न नेवी में भी काफ़ी एम्फेसाइज करना चाह रहे थे। इट इज़ बिकॉज जिसका आप ये जो कोस्टल रीजन्स है ना, जहाँ पे जितना अच्छा आपका उनके वाटर पे कंट्रोल होगा उतनी ही अच्छी आप इकोनॉमिकली और बेसिकली कहते हैं ना मिलिट्रीली डिफेंड कर पाओगे, और इन केस अगर आपको कोई और टेरिटरीज कैप्चर भी करनी है तो वो भी ईजिली कर पाओगे। तो वो काफ़ी एम्फेसिस देते थे मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्मी अलॉन्ग विद द मॉडर्न नेवी एस्टैब्लिशमेंट्स ऑफ टू डॉकयार्ड्स का, टू
डॉकयार्ड्स। नाउ अगर टीपू की हम बात करें तो ही वॉज अ वेरी प्रैक्टिकल, ठीक है ना, एंड लॉजिकल पर्सन। तो वो हमेशा चाहते थे कि, और बेसिकली एम्फसाइज करते थे इकोनॉमिक स्ट्रेंथ में, कि एक स्टेट जो है ना उसकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए एज ए फाउंडेशन, जो कि फाउंडेशन बनेगा बाद में मिलिट्री स्ट्रेंथ का। बिकॉज अगर आप इकोनॉमिकली स्ट्रेंथ नहीं हो, अगर आपके पास इकोनॉमिकली रिसोर्सेज नहीं है, तो जो आपकी मिलिट्री स्ट्रेंथ है ना वो भी वीक होगी कहीं ना कहीं ऑफ द एम्पायर। और यही रीज़न है कि अगर वीक होगी तो आप अपने आप को ना ही डिफेंड कर पाएंगे और ना ही किसी पे अटैक कर पाएंगे इन केस ऑफ नेसेसिटी, ठीक है। और बेसिकली वो काफ़ी डिप्लोमेटिकली भी काफ़ी एक्टिव थे एज ए रिजल्ट, और बेसिकली फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करने के लिए भी उन्होंने काफ़ी एम्बेसडर्स भेजे थे। एम्बेसडर भेजे थे कहाँ पे? एम्बेसडर्स भेजे थे आपके फ्रांस में, टर्की में, ठीक है, ईरान में, पेरू में एंड जमन शाह के यहाँ, जो कि थे आपके अफगानिस्तान में, ठीक है। तो डिप्लोमेटिक मिशंस भी भेजे थे। आप इसको इक्वेट कर सकते हो जैसे हमारे यहाँ आज डिप्लोमेटिक मिशंस जाते हैं इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द टाइज, आइदर वो मिलिटरीली हो, आइदर वो इकोनॉमिकली हो, ठीक है। और इस टाइम उसका जो एम था ना कि कैसे हम फॉरेन ट्रेड को डेवलप कर पाएँ, फॉरेन ट्रेड को, ठीक है। जब हम फॉरेन ट्रेड करेंगे तो हमारे रिलेशंस काफ़ी स्ट्रांग होंगे। और यही रिजल्ट था कि वो आपका क्या करना चाहते थे, वो मॉडर्न नेवी भी चाहते थे ताकि प्रोटेक्ट कर पाए डॉकयार्ड, और अल्टीमेटली क्या हो जाए वो फॉरेन ट्रेड जो हो वो स्मूथली हो पाए। अगर इनका और देखें तो इंट्रोड्यूस इन्होंने किया था एक न्यू सिस्टम ऑफ कॉइनेज भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, और न्यू स्केल्स ऑफ वेट्स भी, एंड मेजर्स एंड अ न्यू कैलेंडर, एंड अ न्यू कैलेंडर। नाउ अगर हम देखें तो लाइक हिज फादर ही वॉज ऑल्सो इशूड कॉइन्स, जो हैदर अली ने भी कॉइन इशू किए थे और इन्होंने भी अपने कॉइन इशू किए थे जिसमें ना इमेजेस होती थी ऑफ द हिंदू डीटीज की, जिसमें इमेजेस होती थी हिंदू डीटीज की। नाउ अगर हम देखें तो ये काफ़ी एडमायरर थे और बेसिकली ये ग्रेट रिगार्ड्स करते थे ऑफ जगत गुरु शंकराचार्य, जो कि थे आपके श्रृंगेरी के, शंकराचार्य ऑफ श्रृंगेरी। और इन्होंने ऑफर भी किया था फंड्स फॉर द रिपेयर्स ऑफ टेंपल, टेंपल के रिपेयर्स के लिए भी काफ़ी फंड किया था, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैसूर, द राइज ऑफ इंडियन स्टेट्स एंड द कोलैप्स ऑफ इंडियन स्टेट्स। ऑल दो जब हम देखेंगे कि ब्रिटिश ने कैसे इसको ऑक्यूपाई किया तो इसको डिटेल में देखेंगे, फर्स्ट मैसूर वॉर में क्या हुआ था, एंग्लो मैसूर वॉर में सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ में, ठीक है। तो वहाँ पे हम और डिटेल में देखेंगे थोड़ा। सो इट इज़ ऑल अबाउट द मैसूर एज अ रीजनल स्टेट्स, ठीक है। इसके